और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बंगाल छोड़कर फरार हुए हैं राकेश टिकैत। आपको बता दें कि सिंगूर की महापंचायत में नहीं पहुंचे राकेश टिकैत, सिंगूर की बजाय एमपी के रीवा गए हैं टिकैत। दरअसल बंगाल में नहीं गली दाल तो भाग निकले टिकैत। बंगाल का किसान झांसे में नहीं आया तो वहां से भाग गए हैं टिकैत। तो राकेश टिकैत जो कि सिंगूर पहुंचे थे अपना प्रपंच गढ़ने के लिए, लेकिन वहां से सीधा मध्य प्रदेश के रीवा में मिले हैं राकेश टिकैत। सिंगूर में कोई कार्यक्रम किया ही नहीं राकेश टिकैत ने, क्योंकि बंगाल के किसानों की समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, लेकिन जब वहां पर दाल गलती हुई नजर नहीं आई तो वहां से भाग खड़े हुए राकेश टिकैत और सीधा मध्य प्रदेश के रीवा में नजर आए। देखिए, पहले नंदीग्राम पहुंचे थे, वहां पर पंचायत करनी थी, उसके बाद जाना था सिंगूर। सिंगूर नहीं गए, सीधा मध्य प्रदेश चले गए, क्योंकि वो ये समझ गए कि वहां पर किसान उनकी बातों में नहीं आने वाले, वो वहां के किसानों को बरगला नहीं सकते हैं। और अपनी जमीनी हकीकत को जानने के बाद सीधा एमपी के रीवा राकेश टिकैत भाग गए। सुनो सुनो सुनो, टिकैत को ढूंढ लाओ, टिकैत की नहीं गली दाल तो छोड़ा बंगाल। डेढ़ दिन में ही कहां फरार हो गए टिकैत। जी हां, खुद को किसानों का मसीहा साबित करने में जुटे राकेश टिकैत डेढ़ दिन में ही बंगाल का मैदान छोड़कर खिसक लिए। जो टिकैत डेढ़ महीने बंगाल में रहकर चुनावी माहौल बीजेपी के खिलाफ बनाने का दम भर रहे थे, वो डेढ़ दिन भी चुनावी तपिश झेल नहीं सके और बंगाल से फूट लिए। कोलकाता के बाद नंदीग्राम में किसान पंचायत कर टिकैत को एहसास हो गया कि यहाँ उनके झूठ की दाल गलने वाली नहीं है, बंगाल का किसान उनके फरेब में आने वाला नहीं है, लिहाजा चुपचाप बंगाल से खिसक लिए। अब बीजेपी उन्हें घेर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ टिकैत साहब, आप वहाँ गए बंगाल, आपने वहां क्यों नहीं प्रश्न उठाया कि किसान आत्महत्या क्यों ज्यादा कर रहा है, बंगाल की सरकार उस पर क्यों काम नहीं कर रही। डेढ़ दिन टिकैत के डेढ़ कोस में ढेर, भरने गए थे हुंकार, टिकैत हो गए फरार। आंदोलन जीवी टिकैत की तलाश जारी है। नंदीग्राम की महापंचायत के बाद यूं तो राकेश टिकैत को अगली पंचायत करने सिंगूर जाना था, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि बंगाल में हवा उनके खिलाफ है, लिहाजा वो सिंगूर जाने की बजाय मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायत करने निकल गए। जो टिकैत कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भर रहे थे, माहौल की असलियत भांप कर फरार हो लिए। अब बीजेपी उन पर तंज कस रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग किसानों के नाम पर इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनको सोचना चाहिए, दूसरों को भी सोचना चाहिए, क्या राजनीतिकरण उचित है। किसानों के हितों की बात करने वाले टिकैत पिछले एक महीने से यहां वहां घूम रहे हैं, विमानों के सफर में हजारों लाखों रुपए फूंक रहे हैं, किसानों को बरगला कर बहका कर दिल्ली की सीमाओं पर धरने के लिए बिठा रखा है और खुद उड़न खटोले की सैर कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में टिकैत को पता चल गया कि वो कितने पानी में है। न ममता ने टिकैत को भाव दिया और न ही बंगाल के किसानों ने। पानी उतरता देख टिकैत ने भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी। अब बंगाल पूछ रहा है, टिकैत साहब आप कहां चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए एक और बड़ी खबर।